एवरीवन, आज मैं इन वेस्ट पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स का रीयूज करूंगी और इससे करेंगे हम डीआईवाई। तो ये बहुत ही मजबूत है, इनका हम यूज करेंगे। तो इन सबको मैं अलग तरह से डेकोरेट करूंगी और मल्टीपर्पज यूज़ में ला सकते हैं इन सब डीआईवाईज को। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं इसका डीआईवाई करूंगी। तो इसके ऊपर मैंने लगा ली है यहाँ पर फेविकोल। फेविकोल लगाकर इसके ऊपर जूट थ्रेड हम स्टिक करेंगे और इसके साथ हम इसे पूरा कवर कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे स्टार्ट करेंगे ये लगाना। इस तरह से इस कंटेनर को घुमाते जाएंगे और ये हम इस तरह से लगाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेविकोल लगाते जाएंगे और इसे भी इसके ऊपर पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से घुमाकर। ये बहुत ही एक प्यारा सा रिमाइंडर बनकर रेडी हो जाएगा। इसे हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसको पेन स्टैंड बना सकते हैं, इसके अंदर प्लांट लगा सकते हैं, स्पून होल्डर बना सकते हैं। इसे किसी भी तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पूरा इसे कवर करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरा इसको वूल से कवर कर दिया है और ये कितना प्यारा सा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें कुछ कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करने के लिए या तो इसके ऊपर एक्रेलिक कलर और ब्रश की हेल्प से इस पर कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगी ये मल्टी कलर लेस इसके ऊपर। यहाँ पर लगा दूंगी ऊपर और नीचे लेस, और इस तरह के ये मल्टी कलर फ्लावर्स हैं, इसको भी हम यहाँ वहाँ कहीं कहीं लगा देंगे और कलर ऐड करेंगे इसमें, और ताकि ये और अच्छा और प्यारा सा लगने लगे। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन की हेल्प से लगा रही हूँ ग्लू, और इसको मैं फेविस्टिक लेस को इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हम इसके ऊपर फ्लावर्स को भी अटैच कर देंगे, और इसके अंदर यहाँ पर मैं बीच में सेंटर में यहाँ पर एक मोती भी लगा दूंगी, जिससे कि और अच्छा लगने लगे। इसी तरह से कहीं कहीं हम कुछ फ्लावर्स को लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने फोर ये लगा दिए हैं और ये कितना प्यारा लगने लगा है अब कुछ कलर ऐड होने जाने से। अब इसे या तो स्पून होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है ये मनी प्लांट, तो इसका मैं एक इसके अंदर डालकर इसको एज अ प्लांटर यूज़ करूँगी इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके हम बहुत ही प्यारा एक प्लांटर या यूजफुल थिंग रेडी कर सकते हैं। अब सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने लिया है ये टूथपेस्ट का बॉक्स। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैंने यहाँ से बीच में से कट करके इसको दो पार्टीशन में ले लिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसको पूरा भी ले सकते हैं या एक पार्ट भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी नीड हो। तो इसे मैं बनाऊंगी बेड के साइड रखने के लिए। इसमें रिमोट, एसी रिमोट, टीवी रिमोट, स्पैक्स वगैरह रखने का ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इन दोनों को पार्ट को ले रही हूँ मैं, और ये प्रिंटेड पेपर लेकर इसके ऊपर मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी सभी तरफ से। इसके साइज़ का पेपर कट करूंगी और इसको चारों तरफ हम कवर कर लेंगे। तो इसके साइज़ का मैं पेपर कट करती हूँ पहले, और इसके ऊपर ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, कवर करने के बाद एक अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी, मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि हम इसे
अलग अलग रूम में भी यूज़ करें कर सके, और चाहें तो एक ही रूम में यूज़ कर सकते हैं, दोनों को जैसे जिसकी नीड हो उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर कितने रिमोट वगैरह आ गए हैं, चश्मे का चश्मा आ सकता है, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, तो हम इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा बन गया है, ये है एक ऑर्गेनाइज़र। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है इस तरह का एक कार्डबोर्ड बॉक्स। तो इसे यूज़ करने के लिए जो ऊपर का ये फ्लैप है इसका, हम इसे यहाँ पर फेविकोल लगाकर अच्छे से स्टिक कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए थोड़ी सी लगा देती हूँ टेप, पेपर टेप। इसको बंद कर दिया है, तो अब इसे ओपन कैसे करेंगे, ये बैक साइड से हम इसे ओपन कर देंगे, क्योंकि इस साइड से ये अच्छे से अच्छा सा नहीं था, तो हम इसे यूज़ करते तो ये खुल सकता था नीचे से, इसलिए मैं इसे बाहर की से इसको इसके ये फ्लैप्स को कट कर दूंगी, और इसे मैंने नीचे से पेस्ट कर दिया है, तो इसे हम अब कट कर देंगे। ये मैंने सभी को कट कर दिया है, अब ये काफ़ी अच्छा स्ट्रोंग है, काफ़ी ये कार्डबोर्ड इसका यूज़ कर रहे हैं हम। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं करूँगी ब्लैक एक्रेलिक कलर, तो एक कोटिंग मैं सबसे पहले इसकी कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ब्लैक कलर कर दिया है चारों तरफ, और अब मैंने एक कोन रेडी किया है जिसको मैंने वॉल पुट्टी ग्लू और वाटर की हेल्प से पेस्ट बनाकर इसके अंदर फिल कर दिया, और एक कोन रेडी कर लिया है। अब इस कोन की हेल्प से हम इस पर कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से आप भी अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। वाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए चारों तरफ मैंने अच्छा सा एक डिज़ाइन बना दिया है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसे कैसे भी आप एक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज़ करें। बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हो गया है ये। अब मैं एक और DIY के लिए मैंने लिया है इस तरह का एक कार्डबोर्ड बॉक्स। तो इसे हम डेकोरेट करने से पहले ये जो इसके फ्लैप हैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। तो इसे कट कर लेने के बाद मैंने लिया है इस तरह का एक रैपिंग पेपर जिसमें बहुत सी इस तरह से डॉल्स बनी हुई हैं, तो इसमें से हम कोई भी डॉल को कट कर लेंगे। मैंने इस तरह की डॉल को टीयर किया है, सीजर से कट नहीं किया है, तो हम इसे टीयर कर लेंगे इसके अराउंड। और अब मैं इसकी बैक साइड पर यहाँ पर लगाऊंगी फेविकोल और वाटर का एक थिन पेस्ट बनाकर इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बैक साइड में अच्छे से ग्लू को लगाकर इसको
इसके ऊपर हम अब स्टिक कर देंगे। इसे अच्छे से इसके ऊपर स्टिक करने के बाद अब हम जो ये बाकी स्पेस बचा है बॉक्स का उसके ऊपर कलर करेंगे, और कलर हम ऐसा लेंगे जो इस प्रिंट के ऊपर जैसे कलर है वैसे कलर हम लेंगे, ताकि उनको आपस में अच्छे से मर्ज कर सकें और हमारा ये पता ना चले कि हमने कुछ स्टिकर वगैरह लगाया है, ऐसा लगे कि हमने ऐसा ही पैटर्न ड्रॉ करके इसको रेडी किया है। तो यहाँ पर येलो शेड है तो इस तरफ मैं येलो कलर लेकर इस साइड कलर करूँगी, तो ये येलो कलर ले लिया मैंने, और इसको स्पॉन्ज के ऊपर लेंगे। स्पॉन्ज के ऊपर कलर लेने के बाद इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। स्पॉन्ज के ऊपर कलर लेने के बाद हम टैप टैप करके इस कलर को यहाँ पर इसके साथ अच्छे से मर्ज कर देंगे। अब इस साइड पिंक शेड दिख रही है तो हम इस साइड पिंक कलर से कलर कर देंगे अच्छे से इसको। ये पिंक कलर करने के बाद यहाँ पर पर्पल शेड थी तो मैंने पर्पल शेड से ये कलर से ये शेड दे दी है, तो ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ी और डिटेलिंग देने के लिए 0 नंबर ब्रश की हेल्प से वाइट कलर में डिप करके मैं यहाँ कहीं कहीं इस तरह से पोल्का डॉट्स लगा दूंगी। ये देखिए डॉट्स लगाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ये, और एक बनाने के बाद मुझे ये इतना सुंदर लगा कि मैंने एक और रेडी कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने वॉर्निश की एक लेयर बनाई है जिससे कि ये कलर सिक्योर हो जाएंगे। अब अगर इसके ऊपर गीला हाथ भी लगता है तो ये कलर्स निकलेंगे नहीं, इसलिए वॉर्निश किया जाता है कलर सिक्योर करने के लिए। तो अब हम इसे इस बॉक्स को यूज़ करने के लिए मैंने इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसके नीचे सबसे पहले मैंने फोम शीट लगाई है। ये फोम शीट जो हम शर्ट या पैंट कुछ खरीदते हैं तो उसके अंदर से निकलती है, वो फोम शीट रखी है। और इसके बाद मैंने ये शादी का एक कार्ड लेकर उसके अंदर से स्ट्रिप कट कर ली है और इसका पार्टीशन कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ भी गर्ल्स के इयररिंग्स, रबर बैंड्स या कुछ भी हेयर एक्सेसरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ही मैंने ये डॉल्स का पैटर्न भी बनाया है, बॉक्स रेडी किया है, ताकि हम इसको गर्ल्स की कुछ भी एक्सेसरी रखने के लिए यूज़ कर सकें। ये देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए 4 डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट बॉक्स को हमने कितना अच्छे से 4 अलग वे में डेकोरेट कर दिया है, और सब एक दूसरे से डिफरेंट है और सुंदर, एक से बढ़कर एक सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बॉक्स, ये देखिए कितना अच्छे से बनकर हर एक बॉक्स की अलग ही सुंदरता है, कितने अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। अगर मेरा ये आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।